वालेकुम दोस्तों कुरैशी व्लॉग में आपको एक बार फिर से खुश हमदीद कहते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको किला सैर करवाएंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे आप क़िला की सारी हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं यानी कि रवात अरबी जबान के लफ़ और की बिगड़ी हुई शक्ल है और के लगवी मानी कारवान सराय के हैं मौजूदा क़िला दर हकीकत एक कदीम करवान सराय थी जो कि जरनेली रोड के साथ मुसाफरों की सहूलत या सरकारी अहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी इसका फन तमीर इस बात की गमगाजी करता है कि ये किला नमाज सराय पंद्रहवीं सदी के अव्वल में सलातीन दिल्ली के ज़माने में तमीर हुई लेकिन इस कले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ मनसूब किया गया जिसका ज़माना दस सौ उनतालीस है और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बाविशाइयों ने इस किले में गिरफ़्तार कर लिया और बाद में टक्सला के नज़दीक गड़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया ये किला बाद में गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्ज़े में आया जो कि अपने सोलह बेटों के साथ शेर शाह सूरी के हाथों क़त्ल हुआ और इसी किले में दफन किया गया कले में दाखिले के दो दरवाज़े हैं सदर दरवाज़े का रुख मशरक़ी जानब से है जबकि उकबा दरवाज़ा शुमाल की तरफ खुलता है फसील के अंदर चारों इतराफ़ हुजरे बने हुए हैं फसील के अंदर दीगर तारीखी अमारात में एक खुश पहलू मकबरा एक मस्जिद और चंद कबरे हैं मज़ीद हम आपको वीडियो इसकी डिटेल से दिखाते हैं ये किला री मेन इंटरेस्ट है आप इसकी दीवारें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है इन दीवारों की कम से कम भी हुई तो 200 सौ फीट लाजमी ऊँची होंगी अगर आप किले के अंदर देखें तो जगह जगह पर आपको ये कमरा नमा आपको नज़र आएंगे अगर हम आपको इनके अंदरूनी हिस्से की जानब इसकी सैर करवाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये काफ़ी ख़स्ता हाल इसकी हालत हुई है लेकिन हालत खस्ता हाल है लेकिन काम इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती वाला हुआ हुआ है मज़ीद किले की हम आपको इसके अंदरूनी त्योहानों की हम सैर भी करवाएंगे। अभी आपको हम विज़िट कराते हैं इसकी कुछ दीवारों की आप इसमें दीवारें देखें काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट हैं यहाँ पे हम आपको एक मस्जिद की भी सैर करवाएंगे उसके से पहले आप ये देखें ये किले की मज़ीद दीवारें अब इस किले को बनाए हुए कम से कम 1200 साल गुज़र चुके हैं लेकिन 1200 साल गुज़रने के बाद भी आज भी किला अपनी उसी असल पोजीशन की तरह खड़ा है दरवाज़ों की आप हालत देखें ये कुछ अरसा पहले नए लगवाए गए हैं अब यहाँ पे आप किले की हालत देखें एक दफ़ा आपको लगता है कि आप बहुत ही किसी अच्छी जगह आ गए हैं ये किले के आप देखें दरवाज़ा आप चेक कर सकते हैं बहुत ही बड़ा दरवाज़ा यहाँ पे नस्ब करने के लिए लग, रखा हुआ है अभी ये हम आपको इसकी मस्जिद की भी सैर करवाते हैं आप मस्जिद का इसका बरामदा देखें इसमें मार्बल की टाइलें लगी हुई हैं सौ से ज़्यादा इसमें पंखे लगे हुए हैं छत इसका बाद में मुख्तल लोहे की गाडरों से बनाया गया है हम आपको मस्जिद का अभी अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं माशाल्लाह इस जगह पे आके हमारी रूह एक दफ़ा तरताज़ा होगी आप यहाँ पे फानूस देखें फ़ानूस भी कम से कम भी हुआ तो पाँच सौ साल पुराना होगा ये दीवारें जो हैं एक एक दीवार कम अज़ कम भी हुई तो तेरह से चौदह फीट इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई जो है उसका तो आप नाम ही ना लें इतनी ज़्यादा ये चौड़ी हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा मस्जिद ठंडी है अंदर से हालांकि गर्मियों का मौसम है कालीन इतनी प्यारी और मज़े की बिछी हुई है कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम इधर से बाहर निकलें अगर आप छत की तरफ एक दफ़ा नज़र दौड़ाएँ तो आपकी गर्दन बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल में चली जाएगी और आप छत उसको कंप्लीट देख भी नहीं सकते इतनी हाइट है कम से कम छत की भी हाइट आपको 500 फीट से ज़्यादा होगी आप इसकी दीवारों की चौड़ाई देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही मजबूती से काम हुआ है यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जिनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की उन्होंने बताया कि ये मस्जिद कम से कम बारह साल पुरानी है और ये कम से कम बारह सौ साल मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं होगा बेशक जज्जले आए आंधी आए तूफ़ान आए ये मस्जिद अपनी इसी हालत में बरकरार रहेगी आप इस इनकी दीवारों की चौड़ाई देखें एक दफ़ा अक्ल दंग रह जाती है कि कम से कम बारह सौ साल पहले इन्होंने किस तरह से ये मस्जिद बनाई होगी इतनी हाइट पे उन्होंने मटेरियल किस तरह से पहुँचाया होगा आज के जदीर दौर में अगर हमने इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन करनी हुई तो हम हम भी यहाँ पे दंग रह जाते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने किस तरह से कंस्ट्रक्शन की ये तो वो लोग ही जानते हैं इस किले में जगह जगह पे सौ से ज़ायद हमने क़ब्रें देखी जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता खेज़ थी आप मस्जिद का अहात एक बार फिर से मुलायजा कीजिए मस्जिद की हाइट आप देखें काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी और यहाँ पे आप कब्रों को भी मुलायजा फ़रमाएँ तो दोस्तों आज का हमारा विलाग यहाँ पे इख्ताम पजीर होता है आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़